दरभंगा शहरी क्षेत्र में 27 अगस्त से जो नियम लागू किया गया है कि 6 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक शहरी क्षेत्र में नो एंट्री का समय निर्धारित है। दरभंगा शहरी क्षेत्र में जो नो एंट्री का समय है उस वक्त जो है सो शहर में किसी प्रकार की बड़ी वाहन बस या ट्रक या ट्रैक्टर का प्रवेश नहीं होगा। उसके लिए 100% नियम लागू करने के लिए यातायात थाना प्रभारी कुमार गौरव स्वयं जो है सो दिल्ली मोड़ के पास जो है सो कमान संभालते हुए नजर आए। आपको बताते चले कि आज सुबह में जो है सो वो स्वयं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जो है सो दिल्ली मोड़ के पास करीब कई घंटों तक खड़ा होकर यातायात नियम का पालन करने के लिए लोगों से आग्रह करते हुए नजर आए। लेकिन पहला दिन होने के कारण उन्होंने सभी वाहनों से यह कहा कि आप नियम का जो पालन है उसका पालन करें, अन्यथा अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जो है सो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस अवसर पर इन्होंने कई बस संचालक एवं जो दरभंगा सरकारी बस डिपो के संचालक हैं उनसे भी बात किया, उनसे कहा कि आपका क्या नियम है, किस तरह बस चलना है। तो इसी सब की जानकारी को देखते हुए इन्होंने जो है सो कई बस संचालक एवं बस मालिकों से भी बात की। आपको बताते चले कि कई घंटों तक इन्होंने दिल्ली मोड़ के पास खड़ा होकर यातायात नियम को 100% लागू करने के लिए अपने स्तर से लोगों को समझाते हुए नजर आए। वहीं जहां दिल्ली मोड़ सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक जाम रहता था, आज सुबह में एक भी टेम्पो या बड़ी बस जो है सो वहां खड़ी हुई नजर नहीं आए। कारण यह है कि स्वयं यातायात थाना प्रभारी जो है सो कमान संभाले हुए नजर आए। आप वही ऐसे भी कहा गया है कि भयभीन हो ही न प्रीत, स्वयं थाना प्रभारी जब कमान संभाले हुए इसी क्रम में कई घंटों तक यहाँ खड़ा होकर इन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक शहरी क्षेत्र में नो एंट्री का समय निर्धारित है, शहर में किसी प्रकार का बड़ी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। इस अवसर पर कई लोगों ने भी आश्चर्य जाहिर किया कि आखिर जहां दिल्ली मोड़ के पास हमेशा जाम की समस्या रहती थी, कई दर्जन यहां टेम्पो लगा हुआ रहता था, बस का आना जाना लगा हुआ रहता था, लोग स्कूल या कहीं दफ्तर जाने के लिए परेशान रहते थे, आज बड़े आराम से आते जाते हुए नजर आए। यही व्यवस्था अगर लगातार शहरी क्षेत्र में चलता रहे तो किसी प्रकार की जाम की समस्या से लोगों को जूझना नहीं पड़ेगा और गंतव्य स्थान तक लोग जाते हुए नजर आएंगे। आइए सुनाते इस संबंध में दरभंगा दर्शन न्यूज संवाददाता मनोज झा ने, जब सुबह में उधर से घूम रहा था तो वहां की व्यवस्था देख के भी वो आश्चर्यचकित हो गए। इस संबंध में यातायात थाना प्रभारी से जब जानना चाहा कि आखिर क्या पूरी व्यवस्था है, यहाँ पूरा सन्नाटा है, जो यहाँ भीड़ भाड़ रहती थी यहाँ पूरा सन्नाटा है, लोग यातायात नियम का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी बस यहाँ नहीं लगा हुआ है, न टेम्पो नज़र आ रहा है। तो उन्होंने यातायात संबंध में जो 27 अगस्त से लागू हुआ है इस संबंध में इन्होंने दरभंगा दर्शन न्यूज़ के साथ खास बातचीत में दी जानकारी और लोगों से अपील भी किया कि यातायात नियम का पालन करें। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। गाड़ी वही रोकता है जहाँ तहाँ रोड पे गाड़ी को नहीं रोकते, आपका रोकने के लिए जगह टाइम दिया रहता है, अब जहाँ तहाँ गाड़ी नहीं रोक सकते, परमिट कैंसिल हो जाएगा, नियम का तो पालन करना ही होगा, हम भी नियम का पालन करते हैं, आपको भी नियम का पालन करना होगा, सबको करना। क्या हुआ अंदर में कहा नहीं पैसेंजर उतारा, नियम सबके लिए बराबर है ना जी। तो सड़क पर क्या पैसेंजर यहाँ से घूम जाती है, अंदर नहीं जाते। सवाल मेरा ये है कि आप रोड पर सवारी उतारिएगा, ये तो सब दिन उतरती है गाड़ी, ऐसे ही जाती है। तो मैंने नियम क्या है, अब नियम क्या है, तो हम यहाँ पर तो सब दिन ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, यहाँ पर पैसेंजर उतरती ही है ऐसे जाती है, मैंने पुलिस भी रहती तैयार उतार देते हैं। अब यहाँ पर तो सब दिन सब आज से नहीं, गाड़ी 9 साल से गाड़ी 8 साल 9 साल से चल रही है। अच्छा, ऐसे ही पैसेंजर उतार के ऐसे चली जाती है, पालन करते हैं। तो फिर यहाँ कहाँ उतारते हैं, नहीं तो ऐसा संकेत नहीं मिला था, क्या कहीं लिखा हुआ है कि आप पैसेंजर उतारना है, ऐसा संकेत नहीं मिला हुआ था, हम यहाँ पैसेंजर नहीं, किससे संकेत आपको नहीं मिला हुआ है, कहाँ से संकेत नहीं मिला हुआ है, कहाँ से संकेत का मैंने कहाँ से नहीं कहा गया कि यहाँ नहीं उतारना है, यहाँ उतारना है पैसेंजर को, नहीं आज तक हम लोगों को कभी ऐसा नहीं मिला जो कि यहाँ पैसेंजर नहीं उतारना है। अच्छा, तो आप शिकायत कीजिए उनसे, चलिए शिकायत कीजिए, चलिए शिकायत। दरभंगा शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 27 अगस्त से जो नियम को लागू किया गया है उसको 100%
उतारने के लिए आप यहाँ सेंट दिल्ली रोड पर खड़े हैं और यहाँ हमेशा जाम की समस्या बनी हुई रहती थी, ये पूरा क्या है ये? जो जाइए सर, जो नियम लागू किया गया है उसको 100% लागू किया जा रहा है, एकदम कड़ाई से लागू किया जा रहा है। और पहले से फीडबैक मिल रहा है कि शहर के अंदर जाम से बहुत मुक्ति मिला है, बहुत राहत है। बड़ी बस का जो प्रवेश वर्जित हो गया है नो एंट्री में, उससे बहुत राहत है शहर के अंदर। आप लगातार जो बस ओनर है, जो बस संचालक है, उनसे हम ये संपर्क कर रहे हैं कि दिल्ली मोड़ के पास या जो रूट निर्धारित है उसी रूट में बस चले, तो इस संपर्क करने से आपको क्या लगता है कैसी व्यवस्था में सुधार होगा? हाँ, जहाँ जहाँ भी समस्या रहा है या जो नियम को पालन नहीं कर रहे हैं, तो बस मालिक से, कंडक्टर से, ठेकेदार से बात करके उनको समझाया जा रहा है कि नियम का पालन स्वयं करें और करवाइए, क्योंकि जहाँ तहाँ नियम जो तोड़ रहे हैं, जिसके चलते शहर के अंदर, शहर के बाहर भी दिल्ली मोड़ के पास जाम लग जाता है, तो पालन धीरे धीरे हो रहा है। आज जो यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार हुआ है, यहाँ बैरिकेड लगाया गया है, इससे पहले यहाँ बैरिकेड नहीं रहता था, और यहाँ ट्रैफिक पुलिस की भी यहाँ प्रतिनियुक्ति की गई है, क्या इससे कहना है आपका? हाँ, यहाँ ट्रैफिक पुलिस के इसलिए नियुक्त किया गया है कि यहाँ जाम न लगे, इसी के चलते यहाँ पर लगाया गया है। अब क्या जो बस ओनर हैं या जो बस संचालक हैं, उनसे क्या कहेंगे? बस संचालक को यही बोलेंगे कि उनको जो परमिट दिया गया है, जहाँ जहाँ उनका रूट है उसी के अनुसार चलें, और जहाँ तहाँ वो रोक के बस को, पैसेंजर को ना उतारें, ना वहाँ से पैसेंजर को गाड़ी में बैठाएं, ये इसको कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। जो भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनके बस के विरुद्ध चालान काटा जा रहा है, बस को भी सीज किया जा रहा है। आपके यातायात थाना में दरभंगा शहरी क्षेत्र में जहाँ जहाँ चौक चौराहा है वहाँ CCTV लगा हुआ है, और उसका मॉनिटरिंग आप अपने स्तर से थाना पर करते हैं, लेकिन यह दिल्ली मोड़ है, सबसे अति व्यस्तम इलाका है, लेकिन यहाँ कहीं भी आपको CCTV कैमरा नज़र नहीं आएगा, ये भी एक समस्या, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। दिल्ली मोड़ के लिए भी नगर निगम के द्वारा लगाया जा रहा है दिल्ली मोड़ पर कैमरा। क्या इसे व्यवस्था में परिवर्तन होगा? व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन हुआ है। अपना परिचय दे दीजिए। कुमार गौरव, यातायात थानाध्यक्ष, दरभंगा।